हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपनी हिंदी की कक्षा, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 10। और आज हमारे पाठ का शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है बच्चों, जिसमें आपको सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी शिक्षा सीखने को मिलेगी। कबीरदास और सूरदास दोनों महान भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध दोहा पंक्तियां जो है हमें याद करनी है और उसके बाद वो हमें लिखनी भी है, ठीक है? कविता प्रवेश। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि वही व्यक्ति अंधेरे में आशा की लौ जलाते हैं, जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, वे हिम्मत व साध्य से कांटों भरी राह पर भी चलकर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मतलब जब विपत्ति आती है तो जो कायर लोग होते हैं ना, जो डर को उन्हीं को दहलाती है, वही डरते हैं। सूरमा यानी कि जो शूरवीर होते हैं वो विचलित नहीं होते, वो कभी नहीं घबराते हैं और एक मिनट के लिए भी धीरज नहीं खोते, अपना धैर्य नहीं खोते हैं, घबराते नहीं है। और विघ्नों को गले लगाते हैं यानी कि जितनी कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, उनको भी वो गले लगा लेते हैं। और कांटों यानी कि अगर कुछ कांटों भरा रास्ता भी है तो उसमें भी वो रास्ता, अपनी राह बना लेते हैं। है कौन वित ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा वित, ऐसी कोई ऐसी कठिनाई है ही नहीं जो मानव के रास्ते को रोक सके, जो हमारा रास्ता रोक सके, ऐसा तो कुछ आज तक बना ही नहीं है। क्योंकि इंसान जब जोड़ लगाता है, जब अपनी हिम्मत से काम करता है, तो वो पर्वत, उसके जो है पर्वत को भी वो अपने पांव से उखाड़ सकता है। वो इतना शक्तिशाली है, इतना हिम्मत वाला है कि वो पत्थर को भी पानी बना देता है। मतलब सचमुच नहीं कि पत्थर पानी बन गया, मतलब वो अपना इतना ज्यादा, वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है और वो हिम्मत से आगे बढ़ता रहता है। गुण गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मतलब हम इंसान के अंदर, मानव के अंदर बहुत बड़े बड़े गुण छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह से मेहंदी जो है वो हरे रंग की होती है, लेकिन जब उसको कलर कर, जब वो छूटती है तो उस अंदर से लाल रंग की निकल आती है ना। वर्तिका बीच उजियाली, वर्तिका मतलब जो दिए की बत्ती होती है, वर्तिका बत्ती के बीच में अगर जलाएंगे तो कैसी उजियाला प्रदान कर दिया ना। तो वर्तिका के बीच, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यानी कि इसका अर्थ है कि बत्ती जो नहीं जलाता, जो मेहनत नहीं करेगा, जो कायरों की तरह बैठा रहेगा, जो हिम्मत नहीं, जो हिम्मत को हिम्मत से आगे बढ़ता रहेगा, तो वो तो काम कर जाएगा, लेकिन जो हिम्मत करेगा ही नहीं, कुछ मेहनत करेगा ही नहीं, तो वह बत्ती नहीं जला पाएगा। मतलब वो बैठा ही रहेगा अंधेरे में। तो ये थी हमारी आज की कविता, जिसके रचयिता थे, जिसके इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। और बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द। विपत्ति, पत्थर, विघ्न, कांटों, वर्तिका, उजियाली, विचलित और बत्ती। और अब है शब्दार्थ। विपत्ति का अर्थ है कठिनाई या मुसीबत, कायर का अर्थ है डरपोक या बुजदिल, सूरमा यानी शूरवीर या बलशाली, जग यानी संसार या दुनिया, मग यानी कि मार्ग या रास्ता, विघ्न का अर्थ है बाधा, वर्तिका मतलब दीपक की बत्ती, प्रखर का अर्थ है तेज या तीव्र, उजियाली मतलब प्रकाश या रोशनी, धीरज का मतलब है धैर्य, और दहलाना यानी कि डर के मारे कांपना। और अब हमसे क्या पूछा है? आपने पूछा है विपत्ति किसको डराती है। विपत्ति हमेशा कायर इंसान को डराती है। कौन विपत्तियों से नहीं घबराते? जो शूरवीर होते हैं, जो सूरमा होते हैं,
वो भी पत्तियों से बच्चों कभी नहीं घबराते हैं। किन मनुष्यों के रास्ते में कठिनाइयां नहीं टिक पाती, किन मनुष्यों के जो मनुष्य शूरवीर होते हैं, जो सूरमा होते हैं, जो कठिनाइयों को देख के नहीं घबराते, जो रास्ते में आई रुकावटों को भी गले लगा लेते हैं और बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उनके रास्ते में कभी कठिनाइयां नहीं आती हैं। वीर लोग किसको गले लगाते हैं? वीर लोग विघ्न को, जो रुकावटें होती हैं उनको गले लगाते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर और अब हम चल रहे हैं। अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो विपत्ति से कौन घबरा जाता है? कायर, शूरवीर, पर्वत या कमजोर व्यक्ति। विपत्ति से घबराता है कायर, जो दूर भागता है डर के मारे, जो दूर भागता है वो होता है कायर। मेहंदी के अंदर क्या छिपा होता है? उजाला, लाली, रंगोली या गहराई। मेहंदी के अंदर छिपी होती है लाली। सूरमा शब्द का अर्थ है कायर, शेर, शूरवीर या काजल। सूरमा शब्द का अर्थ है शूरवीर। मानव के जोर लगाने से पत्थर भी क्या बन जाता है? मानव के जोर लगाने से पत्थर आग, पानी, हवा या धूल। मानव के जोर लगाने से पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये थे हमारे सही विकल्प पर सही के चिन्ह और अब हम चल रहे हैं आगे। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? हमें नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है, जो कि मैंने आपके लिए पूर्ण कर दी है। तो सबसे पहले है गुण बड़े, यहां पर क्या आएगा? एक से एक प्रखर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो ये हमने क्या किए थे बच्चों? ये हमने की थी कविता की पंक्तियों को पूर्ण किया था। और अब हम क्या करेंगे? और अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम कर रहे हैं सही मिलान। सबसे पहले था विपत्ति, विपत्ति को मैंने मिलाया है, विपत्ति दहलाती है, विपत्ति दहलाती है, सूरमा धीरज नहीं खोते। सूरमा यानी कि जो बलशाली व्यक्ति है, शूरवीर, धीरज नहीं खोते, हमने इससे मिला दिया। विघ्नों को, परेशानियों को, रुकावट को गले लगाना, इसमें कांटों में राह बनाना, और मानव जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, इससे हमने इसको मिलान कर दिया। तो हमने इस तरह से हमने इसका सही मिलान कर दिया। और अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कविता के आधार पर बताओ, मानव में कौन कौन से गुण छिपे हैं? बच्चों मानव में बहुत गुण छिपे हैं। मानव जो है बहुत बलशाली होते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कोई रुकावट होती है उसको भी एक तरफ करते हुए और आगे अपनी राह बनाते बनाते आगे चलते जाते हैं। और अगर मानव चाहे वो इतनी हिम्मत करता है कि वो पत्थर को भी तोड़ देता है, पर्वत को भी तोड़ देता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है और पर्वत को वो पानी भी बना देता है। मतलब इतना ज्यादा बलशाली, इतनी हिम्मत से आगे बढ़ता है कि वो पत्थर को भी पानी बना देता है और कभी भी किसी भी चीज से घबराते नहीं है। अगर विपत्ति पड़ती भी है तो वे क्षण भर के लिए भी घबराते नहीं है और अपना राह बनाते हुए, अपने कांटों की, जो अगर उनकी राह में कोई विघ्न भी आ रहे हैं, कांटे भी आ रहे हैं, तो उनको भी साफ करते हुए अपना रास्ता, अपने रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं, वह हिम्मती होते हैं। रोशनी नहीं वह पाता है पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से यह अभिप्राय है कि जो कायर व्यक्ति होते हैं, जो हिम्मत नहीं कर पाते, जो वर्तिका को नहीं जला पाते, मतलब जो हिम्मत नहीं कर पाते, तो वो अंधेरे में ही रहते, यानी कि वो बत्ती, वो रोशनी नहीं वह पाते, यानी कि उनको उजाला नहीं मिल पाता, यानी कि वो हिम्मत करते ही नहीं है और वो एक जगह बैठे रहते हैं। शूरवीर व्यक्ति कैसे होते हैं? शूरवीर व्यक्ति बहुत बलशाली होते हैं और वो हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। विघ्नों को गले लगाना है, यानी कि विघ्नों यानी कि रुकावटों को, परेशानियों को से घबराना नहीं है, उनको गले लगाना है, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। कांटों में राह बनाना है, यानी कि कितनी भी रुकावटें आए आपके रास्ते में, लेकिन उन कांटों को हटाना है और अपना रास्ता बनाना है। तो बच्चों ये बहुत शिक्षाप्रद कविता जो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप में भी कुछ जोश आया होगा और आपने इससे कुछ
जरूर सीखा होगा। इसके साथ हमारा आज की कविता यही समाप्त होती है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।